फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरी डकेताब धौलपुर की टीम की ओर से मैं मीडिया का वेलकम करता हूँ। और फर्स्ट मेरा नाम मनोज चतुर्वेदी है और मेरा प्रोडक्शन हाउस है MS बाबा सिने एंटरटेनमेंट बैनर है जिसके तले डकेताब धौलपुर कम्पीट हुआ है और ये भारत सरकार से US सर्टिफाइड कम्पीट हुई है। और इस फिल्म का रिलीजिंग डेट महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैंने रखा है और जो कि बाबा महाकाल की और महाशिव की कृपा से सक्सेसफुल हुआ है और मुझे 8 मार्च का डेट मिला है और पैन इंडिया में मल्टीप्लेक्स थिएटरों में ऑल ओवर इंडिया फिल्म डकेताब धौलपुर रिलीज हो रही है। आगे क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जी? फिल्म की स्टोरी जो है कि एक मतलब धौलपुर नाम का एक गांव है जो कि उसमें सीधे साधे लोगों पर अत्याचार करना, जुल्म करना, लेवी कर्ज वसूलना, बेवजह की यातनाएं देना, कर्ज वसूलना, उस उपलक्ष्य में हमने ये स्टोरी को दिखाया है, स्क्रीन पे प्ले करके पर्दे पे दिखाया है कि सीधे साधे लोगों का कैसा अत्याचार होता है, जुल्म कैसा होता है, कैसे सहन करते हैं, उस अत्याचार को कैसे खत्म करना है, लोगों से बेरहमी से टैक्स जस्ट लाइक लेवी लेना है, कर्ज मतलब वसूलना है, इस टाइप से सारा फिल्म के अंदर दिखाया है। तो मुझे इस मूवी के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग से पता चला गया। उसके बाद में हम ऑडिशन देने गए, हम उसमें सिलेक्ट हुए और फिर जो भी स्टोरी थी वो हमें नरेट की गई। और स्टोरी को करने का मेरा एक ही मोटिव था कि इसका जो इससे जो भी संदेश जा रहा है सोसाइटी में वो संदेश बहुत ही सही था। ऐसा लोगों को जागरूक रहना चाहिए, किसी के भी प्रेशर में आकर कभी कुछ अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर एक करेगा तो सब करेंगे और बदलाव एक से ही होता है। तो बस यही सोचकर मैंने इस फिल्म को हाँ कही थी और मैंने ये फिल्म को सर और दिनेश सर सबके साथ मिलकर पूरा किया। मेरा कैरेक्टर जो है उसमें मैं इनकी वाइफ बनी हूँ और उसमें मैं एकदम सिंपल सोबर जो घर की नॉर्मल हाउस वाइफ होती है उसी प्रकार से मैं भी हूँ। देखो सर, आपका जो क्वेश्चन है पान सिंह तोमर एक अलग स्टोरी है और ये जो स्टोरी है मैं ये स्टोरी जो बहुत डिफरेंट टाइप की स्टोरी लेके आ रहा हूँ मैं और ये पर्टिकुलर रूप से ये एक मतलब किसी पे बहस नहीं है कि किसी गांव के ऊपर टारगेट किया हुआ है। ये एक स्टोरी है ना डकैत मतलब धौलपुर नाम का एक गाँव है और उसके इर्द गिर्द अत्याचार शहर को भी दिखाया है, सिटी रूलर सोसाइटी को दिखाया है ना, और ये किसी को टारगेट नहीं किया है। ये एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है और मैं जनता से ऑडियंस से बोलूँगा कि इसे ज़रूर देखें और अपने जीवन में होने वाले समय जो व्यतीत हो चुका है उसको याद करें कि कितना अत्याचार जुल्म हुआ और क्या क्या कहानियाँ रही है। इस फिल्म के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सीधे साधे लोगों पर जुल्म होना और उसको सहन करना और उस अत्याचार को ख़त्म करना एक इस कहानी की मेन प्रॉपर्टीज है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, सिर्फ यही मैसेज है इस मूवी का कि अगर एक सोसाइटी में कोई भी बदलाव लाना चाहता है तो वो ला सकता है और वो एक का साथ देने के लिए हर कोई इंसान अपना अपना एक एक कदम बढ़ाता है। देखो मैं एज ए पैसे से डॉक्टरी लाइन में हूँ, मेडिसिन लाइन में हूँ, केमिस्ट हूँ और मेरा MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से MSc है और मेरा बचपन से ही कॉलेज स्कूल टाइम से ही मेरा एक एम था कि जिस मतलब पर्टिकुलर रूप से मैं अपना खुद का वजूद बनाऊँ, खुद का मुझे एक्टिंग में खुद का बॉलीवुड के अंदर मेरा जो संघर्ष था 10 साल का वो संघर्ष कंप्लीट करके बॉलीवुड के अंदर मेरा खुद का वजूद बनाने का एक एम था। वो सपना मेरा पूरा हुआ और ये मेरे मतलब एज ए मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ और एज ए मैं लीड एक्टर भी हूँ। थैंक यू। आपने काम किया सोशल मीडिया के जमाने आजकल,
से आपको फ्रेंड लोग देखे, किस तरह के रिएक्शन मिला फ्रेंड लोग आपको पोस्टर देखा, क्या रिएक्शन रहा? नहीं सर, रिपीट द क्वेश्चन सर, क्या रिएक्शन रहे जब थिएटर ट्रेलर आउट हुआ, आपके आसपास के लोगों ने क्या कॉम्प्लीमेंट? हाँ जी हाँ जी, एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे थिएटर लॉन्च हुआ तो मैंने क्या है कि थिएटर को रात के 12 बजे के बाद सेकंड डेट सेट कर दी थी, तो वो रात को 12 बजे के बाद जैसे थिएटर मतलब टीजर लॉन्च हुआ, ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो सुबह सुबह से मेरे पास 6 बजे मैसेज आने लग गए सबके, वाह क्या वेरी गुड और लाइक मैसेज, और ऑल ओवर इंडिया से मुझे मैसेज आने लग गए। फिर मैंने कुछ समय सॉन्ग भी रिलीज हुआ तो सॉन्ग के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स हो रहे हैं और मिलियंस में चले गए हैं उसके व्यूज, और अपना जो इंडिया में टॉप रैंक पे भी चला गया सॉन्ग। एक्चुअल में क्या है कि सॉन्ग के जो बोल है बहुत अच्छे हैं, लव सॉन्ग है, और ये सॉन्ग जो है कि आने वाले समय में आप अपने मतलब जर्नी के थ्रू भी इसका एंटरटेनमेंट कर सकते हो, आपकी फोर व्हीलर गाड़ी में भी सॉन्ग चल सकता है, और इस तरह से लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किए। देखो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरे 10 साल का संघर्ष है, मैंने 10 साल में एक फिल्म इंडस्ट्री को भी फेस किया है और एक फार्मा इंडस्ट्रीज को भी मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज को भी फेस किया है या मेडिसिन लाइन को भी फेस किया है, क्योंकि मेडिसिन लाइन भी एक बहुत चैलेंजेस वर्क होता है, क्योंकि उसमें बहुत एक्यूरेसी से वर्क होता है, और इधर जो फिल्म इंडस्ट्रीज है इसमें भी मैंने वर्क बहुत एक्यूरेसी से किया है, तो मेरा 10 साल का जो संघर्ष है मैंने उसका बहुत सारी मुझे समस्या भी है इसमें, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी मार्केट से आए, बाकी मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपना एक एम जो डिसाइड किया था वो एम मैंने कम्प्लीट किया है, और मैं आज उस एम के लिए आज मैं इतना बहुत अच्छा खुश हूँ कि जो मेरा एम था वो आज सक्सेसफुल हो गया है, और 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पैन इंडिया में फिल्म डकैताब धौलपुर रिलीज होगी, तो ऑडियंस से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसे जरूर देखें, ताकि आने वाले समय में लोगों को एक इंटरेक्शन मिले कि आप एक के साथ दो वर्क भी कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से ये 100% सक्सेस होगा, क्योंकि अभी क्या है कि ऑडियंस की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है कि कोई पुरानी चीजों को देखना, क्योंकि अभी ऑडियंस क्या है कि अभी लेटेस्ट ऑडियंस क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग की ओर जा रही है, उनका पीछे बैक पे जो बीत चुका है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, तो हम चाहते हैं हमने चाहा कि बैक चीज को भी पर्दे पे लाकर दिखाएं, ताकि पब्लिक को पता चले कि आने वाले फ्यूचर में लोगों ने कितना संघर्ष किया, उनके साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई है, ये सब चीजें इनको देखें पता चले, जब जाके इनको पता चलेगा कि आने वाले फ्यूचर में जो बीता हुआ समय था वो लोगों ने कितने संघर्ष के साथ जिया है और आज का समय क्या है, ये हमें दिखाना चाहिए, हमने दिखाना चाहा इसको। आखिरी सवाल आप दोनों से, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, वो क्यों आए और फिल्म का हिस्सा बने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि ऑडियंस से कहूँगा कि ऑडियंस को इसलिए आना चाहिए क्योंकि जो पुराना बीता हुआ कहानी जो है वो बहुत कम आ रही है अभी, है ना, तो पुराना बीती हुई चीज़ों को याद आना, रिपीटेशन में आना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो कुछ भी यदि कुछ क्राइम होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए पब्लिक आगे आके एक्टिव हो जाए और वो समय जो बीता हुआ समय वो वापस नहीं आ सके। और दूसरी बात, इस फिल्म के अंदर वो तो दिखाया है, उसके साथ में इंटरटेनमेंट भी अच्छा है, ड्रामा है, उसके बाद में कॉमेडी है, सॉन्ग है, बहुत अच्छा दिखाया है इसमें, तो मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर इसे पर्दे पे आके देखें, तो उसी के बाद आप अपने खुद के व्यू देना। नहीं, ऑफ कोर्स अगर टेक्स होते थे, अगर सीन अच्छे से नहीं होता था तो नरेट करते थे वो लोग, और जैसा भी होता था हम लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश करते थे, क्योंकि सिर्फ एक आर्टिस्ट की मेहनत नहीं रहती है, वो पूरी टीम की मेहनत रहती है, तो अगर एक आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब उसकी टीम उसको बहुत सपोर्ट कर रही है, उसकी टीम अच्छा वर्क कर रही है, ये एक पूरे मध्य प्रदेश की मेहनत है,
और हमें जो भी हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है वो चीज़ का पता होना चाहिए, इसलिए ये मूवी का देखना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग भी अपने आप में कहीं ना कहीं वॉरियर थे, तो उनकी याद के लिए और हम सब की मेहनत के लिए, चाहे वो कोई भी हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, स्पॉट बॉय हो, लाइट बॉय हो, कोई भी हो, उन सब की मेहनत के लिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार ये मूवी को ज़रूर देखिए। थैंक यू। थैंक यू।